हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं एक नया और बहुत ही इजी तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ और इसे मैं वाइट ऊन से बुनी हूँ। तो देखिए, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले धागे में एक गांठ लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं चेन बना रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मैं यहाँ पर 24 चेन बनाकर और इसमें सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो 3 चेन छोड़कर और तीसरे चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हूँ। अब 1 2 3 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो 2 डबल क्रोशिया हुआ, ये 3 4 5। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया छोड़कर और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया देखिए इस होल से बना रही हूँ। 5 डबल क्रोशिया छोड़कर और 2 चेन बनाकर फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए, ये डिजाइन का बेस बन गया। अब फिर से 5 चेन बनाकर और देखिए 5 डबल क्रोशिया छोड़कर और यहाँ पर देखिए फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 डबल क्रोशिया, ये 2 3 4 5, ये लास्ट। तो देखिए, 1 लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बुन कर दिखा रही हूँ। 1 2 3 चेन बनाकर और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमारा 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। 1 2 3 3 चेन बनाकर और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 5 बन गया। और फिर 3 चेन बनाकर और यहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो देखिए, हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, फिर से 1 2 3 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर मैं डबल क्रोशिया यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2 चेन बनाकर 1 2, अब इस तरीके से फंदे को लेकर और इस तरीके से 4 बार फंदा लेकर 2 3 4 4 बार फंदा इस तरीके से लेकर और सिंगल क्रोशिया से लॉक करके 1 चेन बनाकर और फिर से मैं इस तरीके से 4 बार फंदे को ले रही हूँ। तो इस तरीके से 4 बार फंदे को लेकर और फिर 1 चेन बनाकर इस तरीके से 4 पफ छोटा छोटा मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो 3 बना पफ और 1 लास्ट मैं बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर
लास्ट हमारा पफ बन गया। तो देखिए यहाँ पर चार पफ बन गया छोटा छोटा। दो चेन बनाकर फिर से फाइव डबल क्रोशिया के ऊपर पांच में डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आगे बुन कर दिखा रही हूँ, थ्री चेन बनाकर पांच डबल क्रोशिया पहले कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो पांच डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब पांच चेन, वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए यहाँ पर बीच में फिर से मैं इस तरीके का डिजाइन का बेस बना रही हूँ, इसमें से डिजाइन निकलेगा। दो चेन फिर से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए फिर से फाइव चेन बनाकर पांच चेन और फिर से पांच डबल क्रोशिया। यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच डबल क्रोशिया, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बुनकर दिखा रही हूँ सेम पैटर्न पे, सेम इसी तरीके से बनेगा आगे डिजाइन। तो आगे एक लाइन बुनकर मैं दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर थ्री चेन बनाकर और पांच डबल क्रोशिया यहाँ पर पहले मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से पांच डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब वन टू थ्री चेन बनाकर और यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो वन टू थ्री फोर फाइव। अब थ्री चेन, वन टू थ्री और फिर वन टू थ्री फोर फाइव। इस तरीके से वन टू थ्री चेन बनाकर और यहाँ पर इस तरीके से पांच डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब दो चेन बनाकर और चार छोटा छोटा पफ मैं बनाऊंगी इस तरीके से, चार फंदे लेकर और सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दूंगी। तो देखिए एक पफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब वन चेन फिर दूसरा पफ, चार बार इस तरीके से फंदे को लेकर। तो दो बार पफ, अब तो इस तरीके से चार बार फंदे को लेकर और तीन बार पफ बन गया। अब ये चौथा, अब दो चेन बनाकर और पांच डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दे रही हूँ। तो देखिए दो लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है सेम पैटर्न पे। पूरा हमारा तोरण पट्टी जितना बड़ा बनाना होगा अपने दरवाजे के हिसाब से बनाइएगा। और देखिए पूरा हमारा तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे का मैं तोरण बुनकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे धागे में एक गांठ लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ धागे को। तो वन टू थ्री, थ्री चेन बनाकर और यहाँ पर ये फाइव मैं डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊँगी। तो एक दो चेन ही बना था तो चार बार डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी यहाँ पर। तो देखिए पांच बार हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। वन चेन
और फिर एक लाइन तोरण पट्टी का यहाँ पर छोड़कर और दूसरे लाइन में यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं एक एक लाइन छोड़कर 23 बार 5 डबल क्रोशिया कम एक लाइन में बनाऊंगी एक तरफ। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाकर पूरा लाइन को कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर 23 में पूरे लाइन में कंप्लीट कर ली हूँ एक तरफ। तो मैं काउंट करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, और देखिए एक तरफ मैं एक और 23 इस तरीके का 5 डबल क्रोशिया बनाई हूँ, और फिर इधर भी 23 बार 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से मैं 23 बार बनाई हूँ, 23 बार। तो देखिए अब दूसरे लाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। तो 1, 2, 3 चेन बनाकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से मैं इस तरीके से लॉक कर दी। अब 1, 2, 3 चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पर एक देखिए दोनों तरफ से घटेगा एक एक डिजाइन 5 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए एक घटाकर 5 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं दूसरे लाइन को इस तरीके से तीसरे लाइन को फिर एक घटेगा इस तरीके से दोनों तरफ एक एक हमारा 5 डबल क्रोशिया घटता जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे तोरण को बुनकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरे तोरण को मैं देखिए दूसरे लाइन को मैं पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। अब मैं देखिए पूरे तोरण को देखिए यहाँ तक एक लास्ट में बचा है यहाँ तक मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर ली हूँ। अब इधर भी मैं 23 बार बुन कर देखिए कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसमें का फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं फ्लावर बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी तो लगाकर और इस तरीके का फ्लावर बुन कर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए पहले इस तरीके से धागे को इस तरीके से लेकर और मैं यहाँ पर एक गांठ लगाकर अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 6 बार चेन बनाकर और आप चाहे तो इससे अधिक बार भी चेन ले सकती हैं आप अपने हिसाब से कम या अधिक। और 6 बार चेन लेकर और देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक करके यहाँ पर 5 बार मैं चेन बना रही हूँ। 5 बार चेन बनाकर और ये 2 बार धागे को इस तरीके से लपेटकर ट्रिपल क्रोशिया में यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो 5 बार मैं ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊंगी। तो देखिए ये 3 बार हुआ और ये 4 बार, एक बार और देखिए। तो देखिए 5 बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दे रही हूँ। अब मैं इस तरीके से फिर से 5 बार मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी 5 बार। तो देखिए यहाँ पर 5 बार मैं इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर 5 बार चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर मैं लॉक कर दे रही हूँ। इस तरीके से मैं 5 बार पंखुड़ी बनाकर कंप्लीट करके और पूरे फ्लावर को दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर पूरा पंखुड़ी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से धागे को कट कर दे रही हूँ और पीछे की तरफ इस धागे को लॉक कर दे रही हूँ इस इधर। अब यहाँ पर मैं इस फ्लावर को यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए एक एक मोती लगाकर मैं फ्लावर को लॉक कर दी हूँ धागे की मदद से। अब मैं यहाँ पर लॉक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर धागे को मैं इस तरीके से फ्लावर को सुई की मदद से और मोती लगाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ इस सुई की मदद से। तो देखिए यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से मोती यहाँ पर मैं फ्लावर के बीच में लगा दे रही हूँ। तो देखिए हमारा फ्लावर पूरा सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर झालर बुनकर दिखा रही हूँ लटकन। तो देखिए यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर ले रही हूँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 चेन बनाकर और इस तरीके से धागे को इतना लंबा लेकर और इतना फंदा 10 बार मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो इससे कम या अधिक बार धागे को फंदे को ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पर 10 बार फंदे को ली हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से मैं 10 बार फंदे को लेकर सबसे पहले वाले फंदे को यहाँ पर छोड़कर और दोनों तरफ दो भाग में धागे को बांटकर इस तरीके से बांध रही हूँ ताकि हमारा फ्लावर फूले नहीं। और देखिए इस तरीके से अब 1 देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर 10 बार मैं चेन बनाकर और फिर से दूसरा फ्लावर को बना रही हूँ। तो फिर से मैं इस तरीके से 10 बार फंदे को ले रही हूँ और देखिए यहाँ पर 10 बार फंदे को लेकर और सबसे पहले वाले धागे को इस तरीके से पकड़ के और धागे को दो भाग में बांटकर अब मैं यहाँ पर फ्लावर को बांध दे रही हूँ अच्छे से ताकि हमारा फ्लावर खुले नहीं और बहुत ही अच्छा से बंधे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और 10 चेन बनाकर और फिर से आगे की फ्लावर को मैं बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं 7 बार यहाँ पर फ्लावर को बनाई हूँ। तो मैं पूरे लाइन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार इस तरीके का लरी बनाकर और यहाँ पर धागे को इस तरीके से कट कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं अब रेड ऊन से पफ बनाकर और नीचे लटकाऊंगी। तो मैं यहाँ पर 3 बार इस 5 डबल क्रोशिया को छोड़कर 1 2 3 और चौथे वाले में फिर से दूसरे लरी को बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो इससे दूरी या कम दूरी पर भी लटकन को लगा सकती हैं। तो मैं 3 5 डबल क्रोशिया छोड़कर देखिए और चौथे वाले में फिर से लटकन को लटका रही हूँ। तो 5 बार चेन बनाकर और 10 बार इस तरीके से फंदे को लेकर और मैं यहाँ पर फ्लावर को बना रही हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से 10 बार फंदे को ले रही हूँ। आप चाहे तो इससे कम या अधिक बार भी फंदा लेकर फ्लावर को बना सकती हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से यहाँ पर। तो अब मैं देखिए पूरे लड़ी को बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए पूरा लड़ी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस तरीके का पम्पम यहाँ पर बांध कर दिखा रही हूँ। इस तरीके का पम्पम मैं अगले वीडियो में बनाकर बता चुकी हूँ तो आप देख सकती हैं सभी लगभग सभी वीडियो में इस तरीके का पम्पम बनाकर बताई हूँ। तो ये पम्पम बनाना बहुत ही ईजी है।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बांध दे रही हूँ इस पफ को। सभी लड़ी में मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन पूरा बन गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।